अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज है रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा और मेरी तरफ से आप तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान में हों चाहे पूरी दुनिया में हों, क्योंकि माशाल्लाह ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं और लाइक भी करते हैं, तो तमाम लोगों को जुमातुल मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और इस जुमातुल मुबारक के दिन हम ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो लोग भी इस रमज़ान मुबारक में हज और उमरा की नीयत यानी कि आने वाले हज करने की नियत रखते हैं और इस रमज़ान में उमरा करने की नियत रखते हैं, तो अल्लाह ताला उन सब की ये दुआ कबूल मंजूर फरमाए। और जिन लोगों ने एप्लीकेशंस दे दी हैं, अल्लाह ताला उन सब की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करे और उनको इस साल ज़रूर हज करने की सआदत जो है वो नसीब फरमाए, आमीन। और आज की ये जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि मैंने इसमें आपको बताना है कि कुछ चेंजिंग की गई है हज एप्लीकेशंस की तारीखों में, उसकी डिटेल बताऊंगा और कितनी एप्लीकेशंस आ गई हैं, किस प्रोसीजर में हैं, कहाँ पेंडिंग में हैं, कौन सी एप्लीकेशंस अभी भी प्रोसेस में हैं, उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उमरा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें, क्योंकि इसके लिए आपको बिल्कुल कोई वेट नहीं करना पड़ता, ना कोई पैकेज लेना पड़ता है। इसे दोस्तों बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने जनाब ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो उनको भी 31 मार्च यानी कि 31 मार्च जो आज है उसकी लास्ट डेट दी थी, और जो रेगुलर हज स्कीम है उनके लिए भी 31 मार्च की डेट दी गई थी। अब बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्राइवेट वालों की क्या डेट है, कि प्राइवेट जो हज करना चाहते हैं उनकी क्या डेट है, उनकी कोई डेट नहीं होती, तो उनका पैकेज अभी कुछ दिनों में ऑन हो जाएगा, जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो पैकेज अपने अनाउंस कर देंगे और वो उसी डिटेल में होंगे जो 12-13 पैकेजेस हुकूमत ने दिए हैं, उसी के अंदर रहकर उनको देने पड़ेंगे। उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो अब जो सिचुएशन क्या है, यानी कि 31 मार्च तक आज तक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना है। एक तो उनको प्रोसीजर सही तरह पता ही नहीं चल रहा, अब तक भी आज लास्ट डेट है, अब तक भी उनको प्रोसीजर सही पता नहीं चल रहा, और जो बैंक्स के साथ जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो उनके सही नहीं बन पा रहे, और जो रेमिटेंस हैं वो बैंक्स के थ्रू क्लियर नहीं हो पा रही, एप्लीकेशंस जो हैं वो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको छुट्टियां लेने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट इस प्रोसीजर को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाह रही है और उसको 7 अप्रैल तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, ताकि बाकी मज़ीद प्रोसीजर्स जो हैं वो भी थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड हो जाएंगे, तो लोगों को छुट्टियाँ लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी काविश है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। तो मेरी जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये ना देखें कि जनाब इस वक्त कौन बैठा हुआ है, कौन हुकूमत कर रहा है। आप अगर चाहते हैं हज अदा करना चाहते हैं तो अपनी अल्लाह ताला से लॉ लगाएं और पाकिस्तान के लिए वहाँ जाकर दुआ करें कि पाकिस्तान की हालात अल्लाह ताला बेहतर फरमा दें और आप ज़रूर हज करने जाएं। मैं तो कम अज़ कम फ़िलहाल यही कहूँगा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को सेपरेट सेपरेट रखना चाहिए। फिर बात करते हैं जो लोकल हमारे रेगुलर हज स्कीम के तहत जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी 2 दिन की जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ा दिया गया है। अब फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ अप्रैल यानी कि उनकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, और अब ये बैंक्स भी जितने भी बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं वो तमाम बैंक्स खुले रहेंगे, तो आप ज़रूर जाकर अपनी एप्लीकेशंस और पेमेंट जो है वो सबमिट करवा लें। अब कितनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, वो तो तकरीबन 5269 के करीब एप्लीकेशंस जो हैं वो आ गई हैं, 5269 के करीब एप्लीकेशंस बाकी इन पाइपलाइन हैं, आने वाली हैं और इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगी। और जो लोग पाकिस्तान से यानी कि रेगुलर हज करना चाह रहे हैं उनकी तकरीबन 70023 के करीब अब तक थोड़ी देर पहले तक यानी कि जो मैंने वहाँ से पहले तक 70,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, तो ये यानी कि 43,000 और 70,000 गैप ज़्यादा हो गया जनाब, कुरंदाजी बिल्कुल होगी। अब आगे मज़ीद गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एकदम से 40,000 तक तो नहीं पहुँचेंगे, 43,000 तक, तो आगे क्या करेंगे, इसका कोटा प्राइवेट को देंगे या गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, तो इसकी जैसे कोई अपडेट आएगी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। चैनल पर करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हज पर जाएँ या उमरे पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।